हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ई लर्निंग क्लासेस ऑफ पी एन एम एस सी हाई स्कूल। एज यू ऑल नो, वी हैव स्टार्टेड विथ चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स फ्रॉम आवर साइंस टेक्स्ट बुक। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेनी डिफरेंट जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एंड कम ऑन पेज नंबर 68 सो दैट वी कैन स्टार्ट विद आवर रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन। The very first joint which we are going to understand is ball and socket joint. Let us look at activity 2. Roll a strip of paper into a cylinder. Make a small hole in an old rubber or plastic ball under supervision and push the paper cylinder into it as shown in figure 8.2. This means कि हमें एक paper लेना है जिसे हमें fold करके cylindrical shape में लेके आना है, और फिर हमारे घर पे या आप लोगों के घर पे जो भी पुरानी रबर की बॉल हो उसमें आपको एक होल करना है अंडर योर पेरेंट्स सुपरविजन। इफ़ यू वांट टू टेस्ट दिस, देन हमें क्या करना है, वो बॉल में वो पेपर को फिक्स कर देना है। आप 8.2 में देख सकते हो बॉल में कैसे पेपर सिलेंड्रिकल फिक्स किया गया है। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। अगर हमें होल नहीं करना है तो हम वो पेपर को बॉल पर स्टिक भी कर सकते हैं। Put the ball into a small bowl. Does the ball rotate freely inside the bowl? Does the paper cylinder also rotate? फिर क्या करना है, एक छोटा बोल लेना है जिसके अंदर वो बॉल आ जाए और हमें वो बॉल को उस बोल में फिक्स करना है और फिर देखना है कि क्या वो बॉल जो बोल के अंदर है वो ईजिली रोटेट हो सकती है और क्या उसके साथ साथ पेपर भी रोटेट हो सकता है। Now imagine that paper cylinder is your arm and the ball is its end. अब आप ऐसा सोचो कि ये जो paper cylinder है वो क्या है, हमारा arm है, और जो ball है वो क्या है, हमारे हाथ का end है, हमारे arm का end है। The ball is like the part of the shoulder to which your arm is joined. और वो जो ball है वो क्या है, हमारा shoulder जिससे हमारा arm क्या है, joint है, connected है। The rounded end of one bone fits into the cavity that is hollow space of the other bone. जो हमारा rounded end है, जो हमारा bone का end है, वो already हमारे दूसरे bone से, दूसरे bone के hollow space में connected है, दूसरे bone से connected है। अगर आप figure 8.3 देखोगे तो आपको दिखेगा ball and socket joint, उसके अंदर हमारा थिक बोन जो है, थाई बोन जो है वो कनेक्टेड है और पीछे ही हिप बोन है। दिख रहा है सबको? यस। सो कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट्स यू थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राई टू बिगिन ऑफ दिस सेक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पिवोटल जॉइंट। व्हाट इज पिवोटल जॉइंट? पिवोटल जॉइंट का मतलब होता है हमारी बॉडी का मेन जॉइंट, उसको हम बोलते हैं पिवोटल जॉइंट। द जॉइंट वेयर योर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पिवोटल जॉइंट। हमारी बॉडी में, मतलब जो हमारा जॉइंट है जहाँ पे हमारी नेक हमारे हेड को जॉइंट करती है, उसे हम बोलते हैं पिवोटल जॉइंट। आप बाजू वाले पेज पे फिगर 8.4 में भी देख सकते हो। इट अलाउज अस टू बेंड आर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड ट्राई एंड टर्न द हेड टू राइट और टू लेफ्ट। यही एक जॉइंट है जिसकी वजह से हम हमारा नेक बेंड कर सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, राइट देख सकते हैं, लेफ्ट देख सकते हैं। Try these movements. How are these movements different from those of arms that can rotate a complete circle? अगर हम इसको, मतलब हमारे हेड को और हमारे आर्म को कंपेयर करें तो उसमें क्या डिफरेंस दिखेगा? हम हमारा शोल्डर की हेल्प से हमारा पूरा हाथ रोटेट अच्छे से कर सकते हैं, पर क्या हम हमारी नेक रोटेट कर सकते हैं? आंसर इज नो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग सीधे खड़े हो और पीछे आपको कोई बुला रहा है तो आपको टर्न होना पड़ता है, क्या आपका हेड या आपकी नेक पूरी टर्न होती है? आंसर इज नो। लुक, आपको 8.4 फिगर में दिखेगा पिवोटल जॉइंट, वो हमारा एक जॉइंट है जिसकी हेल्प से हम हमारा नेक और हेड क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं या पार्शली रोटेट कर सकते हैं। In a pivotal joint, a cylindrical bone rotates in a ring. जो joint आपको दिख रहा है, जो figure में mark किया है, वो क्या करता है? Rotate करता है left, right और upwards और downwards.
Now, next is hinge joints. Open and close a door a few times. Observe the hinges of the door carefully. They allow the door to move back and forth. Hinge joints क्या होता है? अगर example दूँ, तो जैसे हम door close करते हैं, door open करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि उसके hinges, मतलब जो उसके supports है, उसकी help से door क्या हो रहा है? खुल रहा है और बंद हो रहा है. अगर door में वो hinges ना हो, door में वो support ना हो, तो door सीधा रहेगा भी नहीं. Look at activity 3. Let us look at the kind of movements allowed by a hinge. Make a cylinder with cardboard or thick chart paper as shown in figure 8.5. जैसे आगे cylindrical shape बनाया था with the use of paper, यहाँ पे भी paper या cardboard use करके same बनाना है. Attach a small pencil to the cylinder by piercing the cylinder at the center as shown. Piercing मतलब होल करना, ठीक है. सेंटर में क्या करना है, हमें होल करना है और वहाँ पे हमें पेंसिल को अटैच करना है. मेक अ होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिक्स इनसाइड इट इजीली. अब क्या करना है, जो भी हमने सरफेस बनाया है, राउंड सिलेंड्रिकल शेप बनाया है, हमें वैसा ही कार्डबोर्ड से भी बनाना है, पर आधा जिसमें हमारा वो पेपर क्या हो जाए, फिट हो जाए. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movement like a hinge. जैसे हमने rolled cylinder रख लिया है अंदर और नीचे हमने cardboard support किया है, तो अगर मैं वो rolled वाले को घुमाऊँगी तो वो घूमेगा या नहीं, तो वो turn हो सकता है, वो घूम सकता है. Try to move the rolled up cylinder. How does it move? How is this movement different from what we saw in our constructed ball and socket joint? We saw this kind of movement at the elbow in activity 1. Like हमने जो ball and socket joint बनाया था, उससे ये joint किस तरीके से अलग है, वो यहाँ पे पूछा है. What we have constructed in figure 8.5 is different from a hinge, of course, but it illustrates the direction in which a hinge allows movement. जो हमने पढ़ा और जो हमने बनाया, वो हिंज से थोड़ा अलग ज़रूर है, पर वो हमें हिंज मोमेंट्स के बारे में बता रहा है और गाइड कर रहा है. द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मोमेंट. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट. हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है हमारा एल्बो. हमारा जो एल्बो है, अगर हमको चाहिए तो हम उसे बैक में या फ्रंट में उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. तो दैट इज़ अ हिंज जॉइंट. फिक्स्ड जॉइंट, अब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड जॉइंट के बारे में. ऐसे जॉइंट्स तो जो मूव ही नहीं होते हैं, जो एक जगह पे फिक्स्ड रहते हैं. सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स एंड आर हेड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार. काफ़ी ऐसे जॉइंट्स हमारे हेड में हैं जो एक जगह पे फिक्स्ड रहते हैं, और वो सब जॉइंट्स से या सब बोन्स से अलग है जो अभी तक हमने समझे हैं. द बोन्स कैन नॉट मूव ऑल दीज जॉइंट्स, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स. जो बोन्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स. व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड कैन यू मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, इजंट इट, ट्राई टू मूव योर अपर जॉ. मतलब जब आप उबासी लेते हो, व्हेन यू यॉन, ठीक है, तब हमारा मुंह क्या होता है, बड़ा सा खुलता है. तो जॉ मतलब क्या होता है, हमारे नीचे के जो टीथ होते हैं वो जगह को हम जॉ बोलते हैं. तो अगर आप नीचे वाला जॉ आपका मूव करोगे तो वो लेफ्ट राइट होगा, पर सिमिलरली अगर आप ऊपर का जॉ मूव करने जाओगे तो वो मूव नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो हमारा अपर जॉ हमारे हेड से क्या है, फिक्स्ड है. We discussed only some of the joints that connects part of our body. What gives the different parts of the body the different shapes? हमने अभी तक कुछ joints के बारे में पढ़ा जो हमारी body parts को connected रखता है, पर हमारी body parts में जो अलग अलग shapes है वो कैसे आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, अब हम वो पढ़ने वाले हैं. If you wanted to make a doll, what will you make first? अगर आपको कोई doll बनानी है तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? Obviously उसका framework या उसका आउटर स्ट्रक्चर. Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure. हम उसका फ्रेमवर्क बनाएंगे, जैसे हमें क्या चीज़ें चाहिए, कैसे होगा,
तब जाके उसका फाइनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर होगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, उनका फ्रेमवर्क। ऑल द बोन्स इन आर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आर बॉडी। सिमिलरली हमारी बॉडी को भी एक फ्रेमवर्क देना पड़ता है वो बाहर का स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। टर्न योर पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 70। The human skeleton is composed of around 305 bones at the birth. The number of bones in the skeleton changes with age. It decreases to 206 bones by adulthood after some bones have fused together. जब हम born होते हैं तब हमारे human skeleton में total 305 bones होते हैं। फिर ये number of bones जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हमारी एज चेंज होती है वैसे ये बोन्स के नंबर डिक्रीज होते हैं। जब हम हमारी एडल्टहुड पे आते हैं, जब हमारी एडल्ट एज पे आते हैं, तब ये बोन्स 305 से 206 हो जाते हैं। कैसे, बोन्स टूट नहीं जाते हैं, हमारे जो बोन्स होते हैं वो दूसरे बोन में फ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसलिए वो 305 में से 206 हो जाते हैं। नाउ हमने आगे पढ़ा कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी शेप के लिए भी फ्रेमवर्क ज़रूरी होता है एंड दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड स्केलेटन। और उस फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। आप देख सकते हो आपके फिगर 8.7 में बाजू में स्केलेटन का पूरा फिगर है। हमारी बॉडी ये बोन्स की वजह से पूरी बाहर का आउटर शेप होता है। अगर मैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये स्केलेटन है तो अब मैं हाथ हटा के वहाँ पे ये पैर की बोन्स लगा दूँ तो क्या वो चलेगा, वो प्रॉपर शेप देगा हमारी बॉडी को? आंसर इज़ नो। इसलिए ये फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। हमें कैसे पता कि यही शेप होता है हमारे स्केलेटन का? हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी। हमें हमारी बॉडी के अलग अलग शेप्स के बारे में कैसे पता चलता है? वी हैव सम आइडिया अबाउट द शेप्स एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग दैम। अगर हम हमारी बॉडी पार्ट्स फील करें तो कोई कोई पार्ट्स के बोन्स या कोई कोई पार्ट के शेप्स हमें खुद ही फील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपकी नेक के बाजू में जो कॉलर बोन्स है उसको टच करोगे तो आपको फील होगा कि वहाँ पे एक गैप है, सो दैट इज़ आर कॉलर बोन्स। सिमिलरली इफ़ यू टच योर नीज़ यू कैन फील कि हाँ ये समवट थोड़ा थिक पार्ट है हमारी बोन का, तो यहाँ बॉडी का, तो हमारी बोन्स जो है वो वहाँ पे कैसे होंगे, कंपैरेटिवली थिक होंगे। सो हम टच करके फील कर सकते हैं। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और एक तरीका है अगर हमें हमारे बोन्स को ज़्यादा अच्छे से जानना है तो दैट इज़ लुकिंग एट एक्सरे इमेज। एक्सरे क्या होता है, जब भी आपको कुछ लग जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हो गया, आपके पैर ट्विस्ट हो गया, हार्ट ट्विस्ट हो गया, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं एंड डॉक्टर क्या बोलता है, आप एक्सरे करवाओ। क्यों? क्योंकि उसको आउटर बाहर का देख के समझ में नहीं आएगा कि आपके बोन्स में क्या तकलीफ है, तो बोन्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है, स्वेलो है कि कुछ ट्विस्ट है या फ्रैक्चर है, वो सब देखने के लिए क्या करते हैं वो लोग, एक्सरे। सो एक्सरे इमेज से हमें हमारे बोन्स क्लियरली दिखाई दे सकते हैं। डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली हैव एवर एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन? क्या आप या आपकी फैमिली में से किसी ने भी कभी एक्सरे करवाया है? समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट और हैव एन एक्सीडेंट डॉक्टर यूज टू से दीज एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपेंड टू द बोन्स। जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे बॉडी में कुछ भी लग गया है एक्सीडेंटली लग गया है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो ये एक्सरे इमेजेस निकलवाते हैं। द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन्स इन अवर बॉडी। और ये एक्सरे इमेजेस क्या करती है, हमारी बॉडी के शेप्स हमें बताती है। फील द बोन इन योर फोर आर्म अपर आर्म लोअर लेग एंड अपर लेग ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। अब अगर आप बोन्स फील करोगे आपके फोर आर्म के, लोअर आर्म के, अपर आर्म के या फिर आपके अपर लेग्स के या लोअर लेग्स के, तो आप उसे फील करके बता सकते हो कि कितने बोन्स है। Similarly, feel the bones of your ankle and knee joints and compare this with X-ray images. उसी तरह आप आपकी नी और एंकल के जॉइंट्स फील करो और फिर उसे एक्सरे इमेज से कंपेयर करो जो 8.8 में दी गई है।
एक्सरे इमेजेस ऑफ एंकल एंड नी जॉइंट आप देख सकते हो, वहाँ पे एंकल और नी जॉइंट की एक्सरे मशीन्स दी गई है। आप देख सकते हो कि वो पूरा एक बोन नहीं है, दो अलग अलग बोन्स है जिसकी वजह से हम मूवमेंट्स कर पाते हैं। बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट? अगर हम हमारी फिंगर्स बेंड करें तो क्या हम उसे हर एक जॉइंट पे बेंड कर सकते हैं? हाउ मेनी बोन्स आर मिडल फिंगर हैव? हमारे मिडल फिंगर में कितने बोन्स होते हैं? फील द बैक ऑफ योर पाम, हमारे पाम का बैक साइड आपको फील करने को बोला है। इट सीम्स टू मैनी बोन्स इजंट इट? अगर हम हमारा बैक साइड फील करोगे हाथ का तो आपको फील होगा कि बहुत सारे बोन्स हैं वहाँ पर। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। हमारे पाम में बैक साइड पर बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स। What will happen if it has only one bone? अगर एक ही बोन होता, वो अलग अलग बोन्स नहीं होते तो क्या होता, हम हमारे फिंगर्स बेंड कर पाते? आंसर इज नो। आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। सो माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टूडेज वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रिमेनिंग टॉपिक्स इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग द चैप्टर, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।